मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। हैं भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। हैं भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम ला। 33वां श्लोक था। ससंगत्व विकाराभ्याम बिंबलक्षणहीनता स्फूर्तिरूपत्वमेतस्य बिंबवद्भासनं विदुः। जो चिंतन यहाँ पर चल रहा है, इस चिंतन में जो प्रधान विषय है वह जीव भाव को खोजा जा रहा है, जीवत्व की खोज है। इस प्रसंग में हम जीव किसको कहते हैं, जीव किसको समझते हैं। एक बात तो पक्का है कि जो सुखी दुखी हो रहा है वो जीव है। जिसके भीतर कर्ता भाव, भोक्ता भाव, ज्ञाता भाव है वो जीव है। और जिसका संसरण होता है, इस शरीर को छोड़ के अन्य लोक में चला जाता है, वहाँ उसके कर्मों का फल पूरा हो जाता है तो पुनः वो वापस आता है, तो आने जाने वाला जीव है। ये बात तो लक्षण से समझ में आती है। ये सब का सब हमारा प्रवचन में, सत्संग में सुना हुआ है। लेकिन वो जीव कहते किसको हैं, कहाँ पर वो जीव रहता है, हाथ में जीव है कि नहीं है, पांव में जीव है कि नहीं है, शरीर में जीव है कि नहीं है। तो जीव जिसको आप बार बार कहते हो जीव जीव जीवात्मा, वो है क्या? ये जीव के सारे लक्षण बताया, सुखी दुखी, कर्ता भोक्ता, संसरण करने वाला, ये सब का सब जीव के लक्षण हैं। लेकिन वो जीव है कहाँ, किसको मैं खास करके संबोधित करूं कि इसी का नाम जीव है, ये है यहाँ पर विचार का विषय। तो इसमें दो बातें सामने आके आ रही हैं कि ये जो शरीर है, इस शरीर के भीतर हमारे पास में एक अंतःकरण है, बुद्धि है। उस बुद्धि के अंदर, बुद्धि से अंतःकरण से जो सीमित हो गया, परिच्छिन्न हो गया, उसको हम जीव माने, या बुद्धि रूपी उपाधि में जो भासित हो रहा है उसको जीव माने। समझ रहे हैं आप लोग ना विषय? अगर आपने अंतःकरण से के घेरे में घिरा हुआ, अंतःकरण से अवच्छिन्न जो सत्ता है उसको आपने जीव माना, तो अवच्छेदवाद में जाओगे। और अंतःकरण बुद्धि रूपी उपाधि में प्रतिबिंबित अगर जो चेतन सत्ता है उसको आपने जीव माना, तो आप प्रतिबिंबवाद में, आभासवाद में आओगे। ठीक है ना? कितना सूक्ष्म भेद है, कम से कम इतना तो समझ में आना चाहिए। और पूरा विचार का विषय यही है। अब ये सब अपने अंतर्गत अनुभव करेंगे, विचार करेंगे तो समझ में आवेगा।
अगर अवच्छेदवाद की प्रक्रिया से आपने जीव को समझा तो उसमें एक प्लस पॉइंट है, एक उसमें समझ में आ जाने वाली बात है, और एक दो नए प्रश्न पैदा हो जाएंगे जिसका समाधान थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर प्रतिबिंबवाद की दृष्टि से बुद्धि रूपी उपाधि में प्रतिभासित चेतन को आपने जीव समझा तो इसका भी एक दो बातें ऐसी हैं जो प्लस में जाती हैं, लेकिन एक दो इसमें भी प्रश्न पैदा होंगे जिसका विचार करना पड़ेगा, समाधान खोजना पड़ेगा दोनों का। यहाँ पर जो कह रहे हैं इस श्लोक में, 33वें श्लोक में, 33वें श्लोक को समझो, ये कह रहे संसंगत्व विकाराभ्याम, ये दो लक्षण शुद्ध चेतन में नहीं है, ये अपने कूटस्थ ब्रह्म स्वरूप में ये दो चीज़ें नहीं हैं। एक तो वो किसी चीज़ से संग नहीं होता उसका, और दूसरे उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता। ये दो चीज़ें अपने कूटस्थ स्वरूप में नहीं हैं, ये दो चीज़ें नहीं हैं अपने स्वरूप में। अगर आपने अवच्छेदवाद से समझा, घटाकाश की दृष्टि से बुद्धि उपहित चेतन को आपने बुद्धि के भीतर उपहित बुद्धि से अवच्छिन्न उसको आपने समझा तो उसमें दो लक्षण आ जाएंगे, संसगत्व का और विकारत्व का। क्योंकि चाहे कितना भी बड़ा महाकाश क्यों ना हो, जब एक घड़े की दीवार बनी तो एक सीमा तो बन गई ना, भले आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ा, आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आकाश के भीतर एक दीवार तो बन गई ना, एक दीवार तो बनी, और उस दीवार से वो परछिन्न तो हुआ ना, एक लक्षण ये आ जाएगा। और दूसरे वह जो घटाकाश है उसमें संसंगत्व का दोष आ जाएगा। बार बार वो दृष्टांत दिया, जैसे घट में जो जल है घटाकाश, उसमें आपने कोई द्रव डाल दिया तो भले ही इस महाकाश के एक किसी कोने में कहीं पर भी, लेकिन संगता तो हो जाएगी ना, सुगंध का, दुर्गंध का, पुष्प का, हुआ कि नहीं हुआ, एक कोने में जरा सा भी होगा तो ये दो लक्षण उसमें घट जाएंगे अवच्छेदवाद में। एक असंगता मिट जाएगी उस परम सत्ता की, और दूसरे अपरिणामी अविकारी जो तत्व को कहा जाता है, ये दोनों बाधित हो जाएगा। लेकिन जब वो प्रतिबिंब वाली बात कहते हो तो वह जो जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा चेहरे का, तो चाहे कुछ भी हो लेकिन वो दर्पण में प्रतिबिंबित होते हुए भी वो किसी से ना तो उसका संग होता है और ना ही उस कभी विकारी होता है। भाई जो प्रतिबिंब है, जो आभास हो रहा है दर्पण में, उसमें कौन सा विकार होगा? हाँ, और उसके कारण अब मान लें कि कभी उसमें दर्पण टेढ़ा मेढ़ा होगा तो उससे आपको प्रतिबिंब टेढ़ा मेढ़ा दिखाई पड़ने लगे। ऐसे दर्पण होते हैं, उसके सामने खड़े हो जाओ तो दुबला पतला आदमी मोटा दिखने लगेगा, अब मोटा मोटा आदमी दुबला दिखने लगेगा, ऐसे ऐसे दर्पण होते हैं। हाँ, तो वो दर्पण का गुण होगा, दर्पण के लक्षण होंगे, लेकिन उस दर्पण में मोटा दिखना, दुबला दिखना, पतला दिखना, उन सारे विकारों से जो बिंब स्थानी है उसमें कोई दोष नहीं पैदा होगा। उस बात को करें, संसंगत्व विकाराभ्याम बिंब लक्षण हीनता, याद है बिंब और प्रतिबिंब दो शब्द था ना, तो जो चिदाभास है वो प्रतिबिंब है, किसका? बिंब का, कूटस्थ का ना,
कोटस्थ का प्रतिबिंब है चिदाभास। तो ये चिदाभास में जैसे वो दर्पण में मोटा दिखे, दुबला दिखे, पतला दिखे, उससे हमारे इस चेहरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई लक्षण नहीं घटित होगा। उसी प्रकार से बिंब के भीतर उसकी असंगता और उसका अभिकारित्व वो ज्यों का त्यों रह जाता है, इसलिए आभासवाद ज़्यादा सही लगता है। समझिए, आप समझना, आपकी ये जो बुद्धि उपहित चेतन है, बुद्धि से जो परछिन्न चेतन है, ये कभी दुखी हुआ कभी सुखी हुआ, तो आप कहोगे मैं दुखी हूँ ना। अगर आपने कहा मैं दुखी हूँ, तो अगर परछिन्न वाला मानोगे अवच्छेदवाद, तो एक यूनिट, क्योंकि वहाँ अंशंसी का भाव हो जाएगा, ईश्वर ईश्वर अंशी हो जाएगा, जीव अंश, तो किसी एक कोने में अगर दुख होगा तो उसको भी दुख होगा ना। समझना आप इस बात को, थोड़ा सा आपका 50 लोगों का परिवार है, 50ों के साथ आपका ममत्व है, एक को दुखी होगा तो आप दुखी हो जाओगे, इसी का नाम है समष्टि। तो सब मम प्रिय मम उपजाए, क्योंकि वहाँ ईश्वर की सत्ता आ रही ना, सवेरे भी मैंने कहा था अवच्छेदवाद में ईश्वर की सत्ता है, तो ईश्वर माने समष्टि, ईश्वर माने समष्टि हुआ, जीव माने व्यष्टि। तो अगर एक जीव कहीं पर दुखी हुआ, दो जीव दुखी हुआ, तो उस जीव के दुखी होने से उस ईश्वर को भी सुख दुख प्रभावित करेगा, क्योंकि व्यष्टि का जो गुण धर्म होगा वो समष्टि को प्रभावित करेगा। ये है थोड़ा, और इसको आप अब सरल भाषा में समझ लो कि सारे जब रावण पीटने लगता है तो सब जाके पुकारना शुरू करते हैं, बचाओ बचाओ, यही है रामायण पुराणों की कहानी, यही है असुर लोग पीटे तो देवता दौड़े, जब तक पीटे ना तब तक देवताओं को भगवान भगवान याद नहीं आते, है ना। ओ सही बात है, लत खो रहे हैं देवता सारे, कभी कंस पीटे, कभी रावण मारे, कभी हिरण्यकश्यप पिटाई करे, तब उनको याद आता है प्रभु बचाओ बचाओ, इंद्र देवता बचाओ, इंद्र ने कहा हमारे कुर्सी खतरे में है, क्या करूं, बोले चलो भगवान भोले बाबा के पास, भोले बाबा ने कहा मैं क्या करूं, रावण को तो मैंने ही वरदान दिया, मेरा भगत है, अब क्या करूं, बोले चलो भगवान ही के पास, चलो भगवान के पास कहाँ मिलेंगे, जहाँ मिलेंगे यहीं बैठ के प्रार्थना करो, जय जय सुर नायक जन। अच्छा, एक जीव के हृदय की पुकार वो सुनेगा कि नहीं, एक जीव अगर भाव से प्रेम से पुकारेगा तो ईश्वर सुनता है कि नहीं, क्यों सुनेगा। अगर सुनेगा तो उसके भीतर अभिकारी पने का हीनता हो जाएगी, क्योंकि एक आवाज उसको सुनाई पड़ी ना, अब बहुत सूक्ष्म चिंतन है इसीलिए सुनाई पड़ेगा ना उसको, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी। आप उस सिद्धांत को पकड़ सको तो व्यष्टि के गुण धर्म से समष्टि को प्रभाव पड़ता है। हाँ, व्यष्टि अगर, अरे आप लोगों के घर में हर सब जगह होता है, अभी मैं कमरे से बाहर निकल रहा था, तो कमरे के बाहर जैसे निकल रहा था तो मैं जाली से पहले देखा कौन कौन बैठा है, तो बाहर एक छोटे से बच्चे को, चार साल का होगा जो भी है, वो बच्चा तो यहाँ नहीं दिख रहा शायद, उस बच्चे को लेके उसकी माँ बैठी थी अकेली, दो साल का बच्चा होगा, और उसके पाँव को जम के दबाए जा रही थी, अभी 10 मिनट पहले की घटना है, पूरा पाँव दबा रही थी, सेवा कर रही थी, धर्म है कि अधर्म, माँ बेटे का पाँव दबा रही,
मैंने अपनी आंखों से देखा अभी 10 मिनट पहले। माँ बेटे का पांव दबाए क्या होगा, धर्म की अधर्म? अब बोलोगे नहीं, हाँ, इसीलिए बहुत मुश्किल है निर्णय करना। जरा सी बात में लोग पितामह भीष्म पर आक्षेप कर देंगे, द्रोणाचार्य पर आक्षेप कर देंगे, उनको ऐसा करना चाहिए था। अरे धर्म की गति बहुत सूक्ष्म होती है, जल्दी कोई बिरला समझ पाता है। वहाँ ममत्व दिखाई पड़ रहा है, अपनापन दिखाई पड़ रहा है, अपनापन। अब वो बच्चा अगर दुखी हुआ तो माँ दुखी हुई कि नहीं हुई? बच्चा सुखी हुआ तो माँ सुखी हुई कि नहीं हुई? समझना इस बात को। माँ भले, इसको कहते पुत्रे पुष्टा अहम पुष्टः, पुत्रे रुष्टा अहम रुष्टा। आप एक मनोविज्ञान है, आप कहीं जंगल की तरफ जाओ और बंदरों का झुंड आ जावे, 50 बंदर हैं उस झुंड में, मोटा तगड़ा है, बड़ा है, बंदरिया है, तमाम है। अगर आप समझदार हो तो बचना सबसे छोटे वाले बच्चे से। बड़े वाले को आप दिखाओ केला और ना दो चलेगा, लेकिन छोटे वाले से आप संभल के रहना। ये मेरा प्रैक्टिकल है। अगर वो छोटे वाला, उसके गले से एक विशेष प्रकार की चीख निकलती है, अगर वो डर जावे और आपने उसको केला दिया है किसी कारण से, वो छोटा वाला एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकाले, तो 40-50 बंदर आपको काट खाएंगे। फिर फिर ये नहीं देखेंगे तुम केला खिलाने आए थे कि बिस्किट, ऐसी तैसी तुम्हारी। वो पूरा का पूरा झुंड अपने उस छोटे से बच्चे को बचाने के लिए पीछे लग जाएगा, उससे बच। तो एक के सुख से दूसरा सुखी हुआ, एक के दुख से दूसरा दुखी हुआ, यही तो आप कहते हो प्रबल प्रेम के पाले पढ़ के प्रभु को नियम चलते थे। तो जब मेरे जीव दुखी होते हैं तो भगवान भी दुखी होते हुआ, ठीक है। तो जो कुछ भी है ये व्यष्टि का गुणधर्म समष्टि को प्रभावित करेगा, तो आपका ईश्वर भी कभी सुखी और दुखी होने लगेगा। होता है, होता है, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। सवेरे की बात याद करना, इसीलिए आभासवाद में ईश्वर को किनारे कर दिया है, याद है ना, मैंने कहा था यहाँ व्यष्टि समष्टि का भेद किनारे कर दिया है, इसीलिए वो समस्या हमारी खत्म हो गई ना। जो समस्या होने वाली थी अवच्छेदवाद से, कि फिर ईश्वर को आपको सुखी दुखी मानना पड़ेगा, व्यष्टि के सुख से, व्यष्टि के दुख से, व्यष्टि के कर्तृत्व भोक्तृत्व से समष्टि को प्रभावित मानना पड़ेगा। तो आभासवाद में ये समस्या ही नहीं है, क्योंकि वहां तो बस एक कूटस्थ ब्रह्म है और कूटस्थ ब्रह्म का एक आभास है। तो वह जो दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा, उस दर्पण में पड़े हुए प्रतिबिंब से वह जो कूटस्थ बिंब है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी महिमा में ज्यों का त्यों रहता है। ये जो चिदाभास है, ध्यान रखना, जो बुद्धि में भासित, अब बुद्धि उपहित नहीं कह रहा हूँ, उपहित बोलोगे तो बदल जाएगा, अंतःकरण उपहित बोलोगे तो बात बदल जाएगी। अंतःकरण में, बुद्धि में जो प्रतिबिंबित चेतन है चिदाभास, ये चिदाभास मोटा दिखे तो, छोटा दिखे तो, कर्तृत्व वाला होवे तो, भोक्तृत्व वाला होवे तो, ये कभी हाय हाय करता है, वह कूटस्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी प्रकाशित करता रहता है। सब कर परम प्रकाशक, क्या कहा था पहले, अंतःकरण तत्वृत्ति साक्षी इत्यादि अनेक धा, कल ही सुना था, अंतःकरण तद्वृत्ति, अंतःकरण में एक वृत्ति आई आपके चिदाभास में, कर्ता का, मैं करने वाला हूँ, एक कूटस्थ ने उसको भी प्रकाशित कर दिया। अंतःकरण में वृत्ति आई भोक्ता की, मैं भोगने वाला हूँ, कूटस्थ ने उसको भी प्रकाशित कर दिया। अंतःकरण में एक वृत्ति आई मैं बहुत दुखी हूँ,
ओ कोटस ने उसको भी प्रकाशित कर दिया। वो साक्षी के भाव से जैसे का तैसे रहता है, उसमें ना किसी से संग, आपके दुखी से वो संग नहीं हो जाता, आपके सुखी से वो संग नहीं हो जाता, क्योंकि आपकी वृत्ति क्षण क्षण बदल रही है और समस्त वृत्तियों का प्रकाशक है। संसंगत्व विकारित्व बिंब लक्षण हीनता, ए जीव के दुखी सुखी होने से वह जो कूटस्थ आत्मा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बल्कि बैठे बैठे मुस्कुराता रहता है, आ वाह वाह रोले रोले मजा आ रहा है। याद है ना बेचारे राम जी रो रहे हैं, हे हिरण तू ही बता दे क्या था वो चौपाई, हे खग मृग हाय हाय, ऐसे तो याद ही होगा सबको है ना, हाँ हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, वो रो रहे हैं बिलाप कर रहे हैं, इतना बिलाप कर रहे हैं कि पूरा जंगल बिलाप कर रहा होगा। अब भोले बाबा गुजरे तो बोलते जय सच्चिदानंद, हाँ ऐसे है ना जय सच्चिदानंद, तो भोले बाबा को भी थोड़ा रोना चाहिए उनके साथ कि नहीं, वो कहते हैं जय सच्चिदानंद, मतलब आज हमने अपनी महिमा में रहते हुए ब्रह्म को देखा और रोता हुआ भी ब्रह्म देख लिया आज इसका मतलब भोले बाबा को भगवान के बिलाप करने से कोई फर्क नहीं पड़ा ना कि पड़ा, हाँ पड़ा या नहीं पड़ा, हाँ क्या हुआ नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि वो कूटस्थ हैं। हाँ और सती जी कहना मानी तो भी, कहना नहीं मानी तो भी, बिना भगवान की आज्ञा के वो मायके गई तो भी, जो कुछ भी हुआ भगवान ने अपनी तरफ से समझाने का प्रयास भले किया हुआ, लेकिन चित्त में दुखाकार वृत्ति सुखाकार वृत्ति बिल्कुल नहीं, परम प्रकाशक हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, ओ है कूटस्थ। आप ऐसे हो, ऐसे आप हो, यही तो हमारे ब्रह्म विद्या की महिमा है कि चिदाभास में ए जीव के भीतर कर्ता भाव आया, भोक्ता भाव आया, सुखीपन आया, दुखीपन आया, हाय हाय मेरा नुकसान हो गया, हाय हाय मुझको लाभ हो गया, सात तरह का यहाँ बवाल आता रहता है, लेकिन आप भीतर एक स्तर ऐसा है जहाँ बिल्कुल निर्विकार हो, जहाँ बिल्कुल असंग स्वरूप हो। श्रुति भगवती कहेंगे असंगो ही अयम पुरुषः, ये असंग है, उसको जानो इसी क्षण मुक्त हो, उसको जानो। हाँ जी अब समझ में आए दोनों मत की बात ना कि नहीं, क्लियर नहीं हुआ अभी थी, हाँ अवच्छेदवाद में एक वो बात होगी और प्रतिबिंबवाद में वो समस्या खत्म। हाँ यहाँ संसंगत्व का संगता का, कूटस्थ की असंगता भिन्न हो जाएगी अवच्छेदवाद में, और यहाँ पर प्रतिबिंबवाद में व्यों ज्यों का त्यों रहेगा। स्फूर्ति रूपत्वम एतस्य बिंबवद भाषणम विदु, हाँ स्फूर्ति रूपत्व वो जो हल्का सा प्रकाश है, हल्का सा जो उसमें प्रकाश देने की सामर्थ्य है, बार बार आया ना वो बाल्टी में से भी वो प्रकाश जरा सा निकला, दर्पण में से दर्पण में जो सूर्य प्रतिबिंब हुआ उसमें भी प्रकाश देने की सामर्थ्य, ये इतनी जो स्फूर्ति है ये स्फूर्ति तो ज्यों का त्यों रहेगी, लेकिन यह जो स्फूर्ति दिखाई पड़ रही है वह परम सूर्य में इतना चिदाभास जो भाषित हो रहा है उसमें इतना, तो स्फूर्ति समान होते हुए भी प्रकाश देने की सामर्थ्य होते हुए भी यह प्रतिबिंब वाला ये मुख्य सूर्य नहीं है, ये चिदाभास ही है। क्यों, क्योंकि हेत्वाभास हो जाएगा। अगर आप एक व्याप्ति ये बनाओ, देखो ये इसको कहते हैं व्याप्ति लक्षण, व्याप्ति ये बनाओ कि जो प्रकाश देवे, अरे व्याप्ति बनाओ कि जिसके दाढ़ी मूछ होवे पुरुष, दाढ़ी मूछ होवे तो पुरुष और दाढ़ी मूछ ना होवे तो स्त्री, है ना,
व्याप्ति बनाई ना, कभी गड़बड़ तो नहीं हो गई ये? हाँ हो जाएगा, आप पता नहीं हमने एक व्याप्ति बनाई, एक लक्षण बनाया। अच्छा, जिसके सींग हो वो गाय, जिसके सींग हो वो भैंस, वो गाय, ये व्याप्ति बनाई हमने। अरे कभी कभी गाय के सींग नहीं भी दिखती, हाँ ऐसी भी गाय है जिसके सींग नहीं है, दूध भी देती है, तो आपकी व्याप्ति कहाँ गई? तो इसको कहते हैं हेत्वाभास, जो हेतु के जैसा दिखाई पड़े लेकिन वह हेतु ना होवे, उसको नाम देते हैं हेत्वाभास। हेतु के जैसा दिखे लेकिन हेतु वास्तव में होवे ना, वह दोष युक्त होवे, उसका नाम होता है हेत्वाभास। तो अगर एक व्याप्ति जरा सा आपने बना लिया कि वो भी प्रकाशक है, ये बाल्टी वाला भी प्रकाशक है, इसलिए यही असली है, तो हम कहेंगे हेत्वाभास है, क्योंकि वो प्रकाशक अलग और इसमें स्वयं प्रकाश नहीं है, बल्कि ये किसी का प्रकाश उधार लेके तो प्रकाशित कर रहा है, भले प्रकाश दे रहा है। व्याप्ति आपने बनाई कि जो प्रकाश देवे वही सूर्य, लेकिन ये नहीं है, इसलिए इसका नाम हमने दिया चिदाभास, चित्त का आभास। भले वो परम सत्ता प्रकाश देता है, लेकिन यहाँ से भी थोड़ा सा प्रकाश देता है, तो थोड़े से प्रकाश देने से इसको परम सत्य मत मान बैठना, अन्यथा फिर आप जीव को ही जीव के ऊपर ही जीव का जीवत्व बाधित नहीं होगा, और जीव को पर ही एक आरोपण ला लोगे कि जीव ही कहना शुरू कर देगा मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही कूटस्थ हूँ, ये बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। अलब्ध भूमिकत्व, बहुत बड़ी समस्या पैदा, बहुत बढ़िया ये प्रसंग है। वैसे ये पंचदशी जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं ना, ये बड़े फुर्सत में पढ़ाई जाती है। जिन महापुरुषों को कोई काम नहीं है संसार का, नौकरी दफ्तर घर दुनिया का, एक एक श्लोक पढ़ाते रहते हैं, से श्लोक पढ़ते रहते हैं, तब पढ़ाई जाती है। अब ये थोड़े है कि आज 17 तारीख को ख़त्म कर देना स्वामी जी, 18 तारीख को है ना, 18 तारीख को ख़त्म कर देना पड़ेगा ना, क्योंकि 19 से आपका है भागवत, तो समय की सीमा तो बन गई ना, तो फिर अब हमको उसी हिसाब से देखना पड़ता है। बाकी तो बस वही है, निरंतरता, सानिध्य, ज़्यादा से ज़्यादा लगन, ज़्यादा से ज़्यादा समय चाहिए। हाँ, स्फूर्ति रूपत्वम एतस्य, स्फूर्ति रूप प्रकाशक रूप जो दिखाई पड़ रहा है, बिंबवत, बिंब के जैसे ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, वो भास है, भासनम, वो केवल चिदाभास है, दिखता है लेकिन असल में वो पूरा है नहीं। अगला ये श्लोक हो गया, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है क्या है? अरे सीधा सा है, सीधी सी बात है, इतनी सी बात नहीं समझते हो, कितनी बार बताया, वो शीशे में मोटा दिखाई पड़े नाटा दिखाई पड़े तो उससे हमको क्या फर्क पड़ेगा? क्या करोगे? मजा लोगे? 2 रुपया दे के हम गए थे देखने, मेला में आया था वो, उस जमाने में 2 रुपया लगता था, और 2 रुपया बहुत कीमत वाला था उस जमाने में। हाँ, ओ ऐसा देखो ऐसा देखो, 2 रुपया टिकट दे करके उसमें गए, शीशा खड़ा हुआ है और उसमें एक जगह लहर वाला दिखाई पड़ने लगा, एक जगह पर मोटा दिखाई पड़ने लगा, एक जगह पर गाल यों दिखने लगा, हमको क्या फ़र्क पड़ा दिखने से? क्या फ़र्क पड़ा? दिख रहा है टेढ़ा मेढ़ा, दिख रहा है खराब, लेकिन मैं जैसे का वो देख के मजा लिया, देख के आप सुखी हुए ना। ऐसे ही किसी दिन आप इस ज्ञान से ये पक्का कर लो कि आज ये जो चिदाभास रूपी जीव है ये आज रो रहा है, और भीतर से आप इसके रोने का भी मजा लो, वाह क्या बढ़िया, आज इस चिदाभास के दिल में दर्द हो रहा है, हाय हाय सारी दुनिया बेकार लुट गया, दुखी हो रहा है, तब भी आप आनंद लो। कभी आपके भीतर ऐसा लगे कि नहीं बहुत कुछ मिल गया,
बड़ा जो मन की इच्छा वाली चीज थी हमको प्राप्त हो गई, तब भी आप उसका बिल्कुल तटस्थ रह करके देखो, हाँ ये चिदाभास हर्षित हो रहा है, मैं इसका भी प्रकाशक हूँ। ये चिदाभास प्रसन्न हो रहा है, जीव प्रसन्न हो रहा है, मैं इसको भी जानने वाला कूटस्थ, इसके प्रसन्नता से मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, इसके दुखी पने से मैं दुखी नहीं होऊंगा, इसके कर्ता भाव से मैं करने वाला नहीं हूँ, ये चिदाभास के भोक्ता भाव से मैं भोगने वाला नहीं हूँ, इसके ज्ञाता पने से मैं ज्ञाता वाला नहीं, मैं तो सबका प्रकाशक हूँ। इस भाव में जी के देखो, थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से आ सकता है। कभी शायद श्रुति जी ने एक दृष्टांत सुनाया था, बहुत पुरानी बात होगी, वहाँ से बैठा कि अगर कोई आदमी ठीक ठीक चलना नहीं आता तो उस बच्चे को तीन पहिए की साइकिल पकड़ा जाती है ना, तीन पहिए की साइकिल से चलता है, कोई विकलांग है, अब आजकल विकलांग नहीं बोलते, दिव्यांग बोलते हैं, है ना, ऐसे है, तीन पहिए की साइकिल पर चलता है। और अगर कोई विकलांग नहीं है, ठीक ठाक है, चलना सीख गया, तो फिर वो दो पहिए की साइकिल से चलता है, ठीक है ना, तीन पहिया वाला कर्म उपासना भक्ति सब, तीन पहिया वाला, दो पहिया वाला। और कोई बिरला ऐसा होता है जो हमने कभी सर्कस में देखा, एक पहिए की साइकिल चलाता है, जो ना देखा हो अब वो क्या समझेगा, एक पहिए की साइकिल चलाता है, उसके लिए उसको अभ्यास की जरूरत है, हम नहीं चला पाएंगे एक पहिए की साइकिल, वो चला सकता है, आज हम भी अभ्यास करें तो मैं भी चला सकता हूँ, मैं भी चला सकता हूँ, अभ्यास की बात है, सर्कस वाले ने अभ्यास किया तो एक पहिए का साइकिल चलाता है, कौन सी पहिए की साइकिल चलाओगे, कौन सी, अब बोलोगे नहीं तीन पहिए वाला, हाँ तीन पहिए वाला, मानो चाहे मानो सब तीन पहिया वाले बैठे हो, सुरक्षित है, जो पीछे से आएगा हम ही को देख करके अपना रास्ता बदल देगा, कोई विकलांग जा रहा है बेचारा, है ना, यही ना, सुरक्षित है, लेकिन स्पीड कितनी होगी, धीरे धीरे बेचारा जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, पहुंचेगा जब कभी पहुंचेगा, कोई कोई साधक होते हैं दो पहिया वाला, अब कलाबाजी में कभी कभी गिर भी सकता है। जो ज्ञान, इस ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहता है एक पहिया, ऐसे ऐसे बताया था ना, क्या ज्ञान का मार्ग एक पहिया वाला, ऐसे बताया था कि नहीं पता नहीं, हाँ जो हो एक पहिए वाली साइकिल, केवल अपने कूटस्थ में जाओ, अपने स्वरूप में जाओ, अपनी महिमा में रहो, अपनी महिमा में रहो, मजा तो तब है, यही तो मजा है। कहानी सुनो, कहानी में कभी सुना होगा, कोई महाराष्ट्र की एक महिला ज्ञानी थी, नाम क्या था, अच्छा तो संत नामदेव वगैरह सुने कि बहुत ज्ञानी है, चलो मिलके आए, तो जब मिलने के गए तो वो जहाँ उपला पाथा जाता है, उपला के कहाँ जहाँ गोस्से रखे जाते हैं, गोष्ठ, जना भाई, हाँ सही, जना भाई के पास, हाँ तो जब उनके पास मिलने के लिए पहुँचे तो कोई गांव की महिला से वो लड़ रही थी, ये तूने मेरे उपले चुरा लिए, वो कहती है तुम्हारे नहीं मेरे ही अपने हैं, अब ये गए थे कि ज्ञानी का दर्शन करने जाना है, पूरे जगत में नाम उनकी महिमा चल रहता है कि चलो ज्ञानी का दर्शन कर रहा हूँ, जनाबाई जैसा कोई ज्ञानी नहीं, और वहाँ पहुँचे, पूछा जनाबाई कहाँ मिलेंगी, बोले वो जो लड़ रही वही हैं, महाराज सारी श्रद्धा खत्म, बताइए जो कंडे के लिए लड़ रही हैं वो ज्ञानी, और सारे लोग कहते हैं, ऐसे हुआ ना, ऐसे जयंत के मन में आया, ऐसे और ऐसे कभी ब्रह्मा जी के मन में आया जब वो गायों को चुरा लिया, ऐसे तो होता है,
ये तो यथार्थ सत घटना हो गई। सती जी के मन में आया, ये ज्ञानी कैसे बताओ जो उपले के लिए लड़ रही है। तो वहां पर वो जब देखते हैं संत भगवान, तो उनको जितने उपले हैं सब एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। तो जाके जनाबाई को प्रणाम किए, उन्होंने कहा देवी जी आप लड़ रही हो कि मेरे उपले चुरा लिए, लेकिन मुझको तो सारे उपले एक जैसे लग रहे हैं, तुमको कैसे पता कि मेरे उपले वो चुरा ले गई। तुम्हारे उपले उसके उपले में कोई फर्क हमको लग नहीं रहा है। क्या हुआ, आप लोग कर लोगे क्या, कौन कंडा बनाया हुआ है उपला, अपने उपले को पहचान लोगे दूसरे को उपले, हमको सब एक जैसे लगते हैं। लेकिन जिस एरिया में जैसे बनाते हैं एक ही जैसा सब बनता है, कैसे पहचान रही आप। तो जनाबाई ने कहा जब मैं उपले भी बनाती हूँ तो अपने ठाकुर जी का बिट्ठल बिट्ठल नाम लेती रहती हूँ, आप मेरे उपले इसने जो चुरा के ले गई है, आप जाइए उस गुस्से उपले को कान से लगा के सुनिए, जिस उपलों में से बिट्ठल का आवाज़ सुनाई पड़ी समझना कि वो मेरे उपले हैं, चुरा के ले गई है दुष्ट। महाराज चौंक पड़े, उपले से बिट्ठल बिट्ठल की आवाज़, जल्दी विश्वास हुआ नहीं, गए और जाके लगाया कान से लगाया, और जब उनको बिट्ठल बिट्ठल की आवाज़ आई उपले में से जड़ में से, तब उन्होंने आके प्रणाम किया, धन्य हो देवी तुम धन्य हो। जब कोई लड़ाई हो रही है तो उस समय ब्रह्म नहीं है क्या हो जना भाई। आप कहोगे बताओ ज्ञानी को संतोषी होना चाहिए है ना, अरे अपने उपले चुराई ले गया तो चुलाई ले जाने देना चाहिए, क्रोध नहीं करना है ना, महात्मा को क्रोध करना ठीक है। चलिए ठीक, तो आप देखो ये अंतःकरण में जो चिदाभास है ये कभी रो रहा है और फिर भी आप समझो मैं इसको जानने वाला हूँ, साक्षी हूँ। ये कला जिस दिन आ जाए तब समझना कि आपने इस सत्संग को समझा है। हाँ कौन रो रहा है, चिदाभास, और उसका भी मैं हूँ प्रकाशक, उस वृत्ति का भी प्रकाशक हूँ, उस स्थिति में जाना है। चलो अगला श्लोक पढ़ते हैं। हाँ अब फिर अब शास्त्रार्थ वाली बात आ गई, फिर आप लोग कहोगे कठिन हो जाए भैया, अब शास्त्रार्थ वाली बात हो जाएगी। अगले प्रसंग में आगे जो प्रसंग आएगा इसमें कई वेद की ऋचाओं का प्रमाण लिया जाएगा। तो जब वेद की ऋचाओं का प्रमाण लिया जा रहा है तो इसका जो मूल चिंतन है अब ये विचार करना है हमको जो समझना है कि एक तो हमको दिखाई पड़ रहा है शरीर, ठीक है, दूसरा हमको बार बार समझाया जा रहा है कि बुद्धि, तो शरीर से बुद्धि अलग है कि एक है, शरीर से बुद्धि अलग है या एक है हाँ, शरीर से बुद्धि अलग है या एक है, क्या हुआ, चलो मतलब प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा। हाँ अरे इतना तो सुने हो कि ये चलो ये शरीर यही मरा रह जाता है और इसमें से सूक्ष्म शरीर अपनी गठरी को लेके चला जाता है, उस गठरी में 19 अंग है ना, याद आया ना, 5 ज्ञान की इंद्री, 5 कर्म की इंद्री, 5 प्राण और 4 अंतःकरण, वही तो सूक्ष्म शरीर हुआ ना, तो सूक्ष्म शरीर वो लेके गया ना सारा सामान, मना षष्ठान इंद्रियाणी, तो सिद्ध हुआ ना। तो विचार ये है कि शरीर से बुद्धि एक है या शरीर से अलग है, तो आप लोग सुन करके तो आप ये विचार सुन के आपको पक्का हुआ कि शरीर से बुद्धि अलग, ठीक है ना। अब जैसे शरीर से बुद्धि अलग है हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप बताइए बुद्धि से चिदाभास एक है या अलग है, जैसे
हाँ, जहाँ आपने दर्पण वाला दृष्टांत दिया था, वो दर्पण वाले दृष्टांत को मैं देख के कह रहा हूँ कि दर्पण हटा लिया तो वो प्रतिबिंब तो गायब हो गया ना। दर्पण से प्रतिबिंब एक है या अलग? बिंब अलग है, ये बात तो सही है। मेरा चेहरा अलग है, लेकिन मेरे चेहरे की जो छाया पड़ रही है आभास, वो दर्पण से एक है या अलग? हाँ, वो तो बुद्धि आप कह रहे हो बार बार, ये शरीर, शरीर के भीतर बुद्धि, और बुद्धि में जो आभासित चिदाभास है, तो बुद्धि और चिदाभास एक है या अलग? अब इसका विचार करना है हमको, विविच्य विश्लेषण करना। जब दो चीज़ों को अलग अलग करना हो तो बुद्धि को बहुत पैनी करनी होती है। जब दो अणु को अलग करना हो तो बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग लगते हैं, सालों साल रिसर्च करते हैं, अरबों डॉलर खर्चा करते हैं, तब अलग कर पाते हैं। हाँ, क्योंकि मिला हुआ है ना, दूध पानी मिला हुआ है, अलग करके दिखाओ। हाँ, दूध और पानी को अलग अलग करके कौन कर सकता है? मशीन ए बनी है, अभी जो मशीन बनी, दो तरह की मशीन बनी, एक मशीन है कि उसमें डाल दो तो उसका क्रीम निकाल लेते हैं, ऐसे ऐसे हाथ से भी चलाने वाला देखा है, दूध मशीन में डाला तो उसका क्रीम निकाल लिया। मीटर ऐसा बना है कि दूध में डाला और ऐसे निकाला तो बता देंगे कि 75% दूध है और 25% इसमें पानी मिला, ये बता देंगे। लेकिन अलग अलग करने का तरीका, चलो अगला श्लोक पढ़ते। ना ही धी भाव भावित्वात् आभासोस्ति धिया पृथक् यथा, यही है, दोनों में अंतर है। अब हम पढ़ रहे हैं जो पढ़ना, यथा मृदाल्पमेवोक्तम् धीरप्येवं स्वदेहतः। हाँ, जो दूसरा है उसमें है इति चेद अल्पम एव उक्तम। हाँ, तो ये पाठभेद है, इसीलिए वहाँ पर हम दोनों लेके इसीलिए चल रहे हैं, क्योंकि पाठभेद है। हाँ, तो कह रहे हैं ना ही धी भाव भावित्वात्। अब ध्यान से समझना, धी भाव भावित्वात्, बुद्धि की वृत्ति से जो भावित है, बुद्धि की वृत्ति जैसे है, उस बुद्धि की वृत्ति के हिसाब से आभासः धियः न पृथक्, वो चिदाभास बुद्धि से अलग नहीं है। बुद्धि से, अब देखो ये पूर्व पक्षी, इसको कहते हैं प्रश्न है, ये प्रश्न है, ये उत्तर नहीं दे रहे हम अभी, इसी पर विवाद है। इस ए है हमारा प्रश्न उत्तर शास्त्रार्थ है। तो जैसे दो लोग बैठे हैं, एक ने कोई बात कही तो दूसरे ने कोई बात कही, तो ए प्रश्न कर रहा है, वो कह रहा है भाई देखो मेरी समझ में तो जब जब दर्पण हुआ है तभी हमको प्रतिबिंब दिखाई पड़ा है, दर्पण नहीं दिखाई पड़ा तो प्रतिबिंब भी नहीं दिखाई पड़ा, तो जब जब बुद्धि जगती है तभी तभी चिदाभास है, चिदाभास जब बुद्धि नहीं होती तो चिदाभास नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए ये बुद्धि और चिदाभास दोनों संयुक्त हैं, इसको अविनाभाव बोलते हैं। शास्त्र की भाषा में इसको अविनाभाव बोला, जिसके बिना न होवे, बुद्धि के बिना चिदाभास नहीं होता, इसलिए अविनाभाव है, इसलिए बुद्धि और चिदाभास दोनों एक है। कैसे? दृष्टांत बताया, अंत दिया। तो दृष्टांत क्या देते हैं? यथा मृद अल्पम ये उक्तम, अरे जैसे घट मिट्टी से कभी अलग नहीं हो सकता, जहां जहां हमने घड़ा देखा वहां मिट्टी है, मिट्टी से अलग घड़ा कहां हो सकता है? तो जैसे मिट्टी से घट पैदा हुआ तो, या मिट्टी में ही घट भासित हुआ तो घट मिट्टी से अलग नहीं है, उसी प्रकार से चिदाभास बुद्धि से अलग नहीं। ये प्रश्न है, उसने अपनी तरफ से कहा किसी
तर्क करने वाले ने कौन? अवच्छेदवादी ने। वो यहाँ पर जोर दे के कह रहा है बुद्धि से चिदाभास अलग नहीं। मैं वही पूछूंगा, दर्पण से वो प्रतिबिंब अलग है कि नहीं है? हाँ, अलग है कि नहीं है? अलग है ना, अलग है। क्यों अलग है? नहीं, जब दर्पण नहीं होता तो नहीं दिखाई पड़ता। हेतु यहाँ क्या दे रहा है कि जब दर्पण होगा तभी प्रतिबिंब दिखता है, तो जब बुद्धि होती है तभी चिदाभास होता है, इसलिए बुद्धि चिदाभास दोनों एक। तो हमने कहा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, जो तुम बात कह रहे हो अगर हम मान लें, अगर हम मान लें तो जब ये शरीर होता है तभी बुद्धि दिखती है, और शरीर नहीं होता तो बुद्धि भी हमको दिखाई नहीं पड़ती। तो क्या शरीर और बुद्धि एक है? धी अपि एवं स्वदेहता, नीचे की लाइन, धी अपि एवं स्वदेहता, तो इसका मतलब धी माने बुद्धि, बुद्धि शरीर से अलग। अगर तुम्हारे लॉजिक को माने, तर्क को, तो इसका मतलब फिर बुद्धि और शरीर भी एक होना चाहिए, क्योंकि जब शरीर होता है तभी बुद्धि दिखती है, और जब शरीर नहीं होता तो बुद्धि ही नहीं दिखती। लेकिन ये बात तो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? अगला श्लोक देखो, देहे मृतेपि बुद्धिश्चेत् शास्त्राद् अस्ति तथा सति बुद्धेरन्यश्चिदाभासः प्रवेश श्रुतिषु श्रुतः। देहे मृते, अरे जब शरीर मर गया यहां पर तो बुद्धि है, बुद्धिश्चेत बिल्कुल है, शास्त्राद अस्ति, शास्त्रों का निर्णय है ना, क्योंकि ये बुद्धि ही तो इस जीव को लेके जाता है, सूक्ष्म शरीर तो जाता है, वही तो जाता है, कहाँ जाएगा? स्वर्ग और किससे? शास्त्र प्रमाण से। देखा नहीं हमने, देखा नहीं है, लेकिन शास्त्र प्रमाण से माना हमने कि जब ये शरीर छूट गया तो इस शरीर से जीव सूक्ष्म यहाँ से निकल करके चला गया, तो पांच ज्ञानेंद्रियों की शक्ति, पांच कर्मेंद्रियों की शक्ति, पांच प्राण की शक्ति और चार अंतःकरण मन बुद्धि सबको समेट के लेके जाता है। जैसे घर को खाली करे कोई किराएदार तो अपना सारा सामान समेट के चला जाएगा नए घर में। तो इसका मतलब कि शरीर यहीं पड़ा है और बुद्धि चली गई, इसका मतलब शरीर से तो बुद्धि ही अलग है। अच्छा आप ये बताओ, ये जो जाएगा तो स्वर्ग का सुख भोगेगा कि नहीं अपने कर्मों के अनुसार, नरक का दुख भोगेगा कि नहीं कर्मों के अनुसार? अगर बुद्धि नहीं होगी तो कैसे भोगेगा जी? अगर अंतःकरण नहीं होगा तो स्वर्ग का सुख कैसे भोगेगा, नरक का दुख कैसे भोगेगा, कर्मों का फल कैसे भोगेगा? इसलिए ये बात तो बिल्कुल सिद्ध है कि इस शरीर से बुद्धि बिल्कुल अलग, एक बात बिल्कुल पक्का, ठीक है, शरीर से बुद्धि अलग है। दूसरी बात, वेद में क्या वर्णन है, वेद भगवान में, श्रुति में, कि वो परमात्मा इस बुद्धि में इस जीव के भी ये शरीर के भीतर प्रवेश किया, वो परमात्मा इसके भीतर बुद्धि में प्रवेश किया, तो प्रवेश करने का मतलब है जिससे वो अलग हो गएगा वही तो ना। बुद्धे अन्य चिदाभासा, बुद्धि से चिदाभास भी अलग है हुजूर, जैसे शरीर से बुद्धि अलग है ये बात पक्की हो गई, ऐसे बुद्धे अन्य चिदाभास, बुद्धि से चिदाभास बिल्कुल अलग। क्यों? प्रवेश श्रुति सुहु, क्योंकि इस श्रुतियों में उसके प्रवेश करने का वर्णन आता है। कहाँ पर आया? हाँ, तैतरी में, अच्छा कियतरी में,
हाँ तो चलो दो दो पढ़ो, अगला वाला मंत्र है और ये वाला जो है सिद्धांत है। धीयोक्तस्य प्रवेशश्चेत् नैतरेये धिया पृथक् आत्मा प्रवेशं संकल्प्य प्रविष्ट इति गीयते कायं त्विदं साक्षदेहं मद्रिते स्यादितीरणात् विदीर्यमूर्धसीमानं प्रविष्टा संसरत्ययम्। देखो जो दूसरे वाले ने जो बैठा था प्रश्न कर रहा था ना, उसने कहा ऐसा समझो कि जो प्रवेश किया ना इसमें, वो परमात्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया, तो बुद्धि के साथ प्रवेश किया जो, ऐसा मान लो। हम प्रवेश करने का खंडन नहीं कर रहे हैं, वो इसमें प्रवेश किया क्योंकि वेद में लिखा है तो मान लिया हमने कि हाँ प्रवेश किया। तो धी युक्तस्य प्रवेशश्चेत् बुद्धि के साथ उसने प्रवेश किया। कहते ना आयतरेये धिया पृथक, आयतरेय उपनिषद में बुद्धि को अलग बताया है। तैतरेय उपनिषद में लिखा है तद सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविश्य, उसने बनाया और बना के उसमें प्रवेश किया। तैतरेय उपनिषद में ये लिखा है, लेकिन आयतरेय में लिखा है कि वो जो बुद्धि इंद्री आदि बनी थी उसमें प्रवेश किया। और सूक्ष्म हो गया। तो आयतरेय उपनिषद में लिखा है ऋग्वेद में कि बुद्धि के भीतर उसने प्रवेश किया। आत्मा प्रवेशम संकल्प्य, संकल्प से उस कूटस्थ ने उसमें प्रवेश किया इति गीयते, आयतरेय उपनिषद में लिखा है। तो 37वां मंत्र है आयतरेय उपनिषद का, ये 37वां बिल्कुल ज्यों का त्यों मंत्र है। अब ये मंत्र है तो आयतरेय उपनिषद पढ़ा है, आप लोगों ने यहीं पढ़ाया था, तुरंत चित्त में ले आओ। ओ परमेश्वर ने जब बनाया इस जीव रूपी शरीर को, तो परमेश्वर ने शरीर तो बन गया, बहुत बढ़िया, उसकी इंद्री बन गई, उसका शरीर बन गया, उसकी आँख बन गई, कान बन गया, उसका शरीर पूरा का पूरा बन गया। तो उस परमेश्वर ने संकल्प किया कायम तू इदम सा अक्ष देहम, सा अक्ष अरे अक्ष माने इंद्रियां, आँख, ये इंद्रियां आदि तो बन गई, काया बन गई, ये इंद्रियां बन गई, ये सब तो सब बन गया, लेकिन मदरिते स्यात, अगर मैं इसमें नहीं रहूंगा तो ये शरीर क्या करेगा, ये तो सौ के जैसे पड़ा रहेगा। अगर उसमें चेतन ना होवे तो शरीर तो सब बना हुआ पड़ा है, किसी काम का नहीं होता, बल्कि खर्चा और कराता है, है ना। जब वो चेतन नहीं होता तो और खर्चा कराता है, कितना खर्चा कराता है शरीर मरने के बाद, कितना, अब बोलोगे नहीं, क्योंकि उसका कोई हिसाब किताब नहीं, अपनी अपनी। अब हो सकता है हमारे पास लकड़ी है तो लकड़ी की चिता लगाई, या हो सकता है राजा है तो चंदन की चिता बनाई, दोनों का अलग अलग हो गईगा। और पता नहीं, पहले के ज़माने में तो जब राजा लोग मरते थे तो उनके साथ उनका खजाना भी डाल दिया जाता था, तो बेचारे रेगिस्तान में खोज खोज के मरे जा रहे हैं। मम्मी कौन सी जगह है, मिस्र के पिरामिड, वो जो पिरामिड बने हैं वहाँ पर खजाने, सबसे ज़्यादा खजाना मिला तूतनखानम कौन सा था उसके कब्र में, आप लोग नहीं सुने मम्मी। तो ये शरीर इतना बड़ा तो है, सब है, लेकिन वो भीतर वाला चेतन चला जावे तो किसी कीमत का नहीं। तो जब उस परमेश्वर ने सृष्टि बनाई सब का सब, और सब बन गया, तो शरीर बन गया, इंद्री बन गई, तो उसने संकल्प किया मेरे बगैर तो शरीर किसी काम का नहीं होगा, तो कैसे, अब इसमें कैसे प्रवेश करूं, कहां से प्रवेश करूं इसके भीतर, जब मैं इसमें प्रवेश करूंगा तभी ये चेतन होगा, चलेगा, काम करेगा, कैसे, तो विदीर्य विदार्य मूर्धम
ये जो हमारा सिर था उस सिर के बीच के हिस्से को मूर्धा जिसको कहते हैं वहाँ से उसने प्रविष्टा वहाँ से वो प्रवेश किया। इसीलिए बच्चे का वो वाला हिस्सा बहुत कोमल होता है, लगभग सभी लोग जानते हैं यहाँ वाला हिस्सा बच्चे का कोमल होता है, बाद में तेल ओल लगाते लगाते वो हड्डी भर के पूरी हो जाती है, अन्यथा ये वाला कोमल होता है। अच्छा, जहाँ से कोई प्रवेश करे अगर वहीं से निकले तो कितना बढ़िया, हाँ जिस दरवाजे से प्रवेश किए उसी दरवाजे से तो निकलोगे। तो जब आपके भीतर यहाँ से वो प्रवेश किया है तो जो कोई साधना करते करते इतना प्रवीण हो जावे कि मृत्यु के समय में अपनी सारी प्राण ऊर्जा को ऊर्ध्व गति की तरफ ले जावे और अब उसका जो जीव भाव है वो नीचे से मल द्वार से जननेन्द्रिय से, या ज़्यादातर देखोगे तो जब मरता है तो मुंह खुला रह जाता है तो बंद कर देते हैं, नाक से निकला तो नाक में रुई लगा देते हैं, कान में रुई लगा देते हैं, पांव के अंगूठे को इसे बांध देते हैं। तो ज़्यादातर ये जो इंद्रियों से निकलेगा तो अलग अलग लोक में जाता है, जिस इंद्रिय से निकलेगा उसका एक विशेष लोक है, अब वो प्रसंग नहीं है वो बाद में कभी सुन, जिस किस इंद्रिय से निकला उसी लोक में जाएगा, आँख से निकलेगा एक विशेष लोक है, नाक से निकलेगा विशेष लोक है, मुंह से निकलेगा विशेष लोक है, मुंह खुला रुक जाएगा, जननेन्द्रिय से निकला विशेष लोक में जाएगा, जो यहाँ से निकलता है वो सीधे ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। तो इसीलिए बाद में कहते हैं यहाँ से तो निकले नहीं दादाजी, उनका मुंह खुला रह गया था, चलो एक बांस लेके सर फोड़ दें शायद यहीं से निकल जाऊं। क्या नाम था इसका? कपाल क्रिया। चिता में बांस लेकर के यहाँ पर मारने का विधान है, लेकिन उसका मतलब यही था कि प्राण राम यहाँ से निकलें, तो जहाँ से प्रवेश किया वहीं से निकलें तो ऊपर, जब यहाँ से प्रवेश किया उसने तो भीतर आकर के अब हंसने लगा, बोलने कैसे, जैसे सूर्य देवता उस बाल्टी में प्रवेश किए, जैसे आपका चेहरा उस दर्पण में प्रवेश किया, उसी प्रकार से वह कूटस्थ परमात्मा इसको विदीर्ण करके प्रवेश किए। तो जब प्रवेश किए उसके पहले ये शरीर अंतःकरण इंद्रियां मन बुद्धि बन चुकी थी लेकिन गतिमान नहीं थी, चलायमान नहीं थी, जब उसने प्रवेश किया तब ये काम करने लगी। इसका मतलब बुद्धि से वो प्रवेश करने वाला अलग, चिदाभास अलग। अब यहाँ पर ये सिद्ध हो रहा है, हाँ ठीक है ना, हाँ तो शरीर से अलग है बुद्धि और बुद्धि से अलग है चिदाभास। कुछ अजीब सा सुन रहे हो ना, अजीब ही से सुनो, कुछ तो लगेगा कि हाँ एक नई बात उसने पूछा। आप भी महाराज कहानी सुनाने में बड़े मज़ेदार हो, गप हाँकते हो, क्यों? कहता है कथम प्रविष्टो संगश्चेत सृष्टिर्वास्य कथं वद मायिकत्वं तयोस्तुल्यं विनाशश्च समस्तयोः समुत्थाय एष भूतेभ्यः तान्नेवानुविनश्यते विस्पष्टमिति मैत्रेयै याज्ञवल्क्य उवाच हि। आप क्या महाराज गप हाँक रहे हो? आपने अभी अभी कहा कि वो आत्मा परमात्मा असंग है, पहले बोला था ना असंग है, सर्वव्यापक है, नित्य है, निरवयव है, ये कहा था ना, तो असंग वो आत्मा कैसे प्रवेश करेगा जी? हाँ सर्वव्यापक है और प्रवेश किया भाई सर्वव्यापक है, जो सर्वव्यापक है वो प्रवेश कैसे करेगा, असंग है वो प्रवेश कैसे करेगा? कथम प्रविष्टो असंगः चेत, कैसे प्रवेश किया?
आप याद आया, ये ब्रह्मसूत्र में एक अधिकरण हो जाएगा, ये प्रवेश कैसे किया है ना, याद आया, ब्रह्मसूत्र के शुरुआत में ही अधिकरण आएगा, शुरुआत में ही अधिकरण आएगा, समन्वय अध्याय में ही, ये समन्वय अध्याय में ही अधिकरण आएगा। उस अधिकरण का नाम क्या है, ध्यान नहीं आ रहा, शुरुआत में ही समन्वय अध्याय के अंतर्गत ही है, वहाँ पर विस्तार से चिंतन होगा कि यहाँ से मूर्धा से प्रवेश किया या पाँव के तलुए से प्रवेश किया, प्रवेश कैसे किया, जैसे सांप बिल में प्रवेश करता है वैसे किया कि इस प्रकार से किया, वो प्रसंग फिर कभी पढ़ना तो समझ में आ गई। यहाँ पर सीधा कि सर्वव्यापक है वो प्रवेश कैसे किया, तो दूसरे वाले ने पूछा कि जो सर्वव्यापक है सृष्टि कैसे किया ये बता तू। कभी कभी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता, उस प्रश्न का इसको कहते हैं जैसे जैसे का देवता वैसे का अक्षत, यक्ष अनुरूपो ही बलि, है ना, जैसे प्रश्न वैसे उत्तर। हाँ, तो पूछा ये बताओ सृष्टि कैसे बनाई वो, आपने कहा, आपने ये बात तो मान लिया ना कि वो सर्वव्यापक है, बोले हाँ। आपने ये भी मान लिया कि उसने सृष्टि बनाई, बोले हाँ, वेद में लिखा है कि तत्सृष्ट्वा उसने सृष्टि बनाई, तो सर्वव्यापक है तो सृष्टि कैसे बनाई ये बताओ, क्योंकि बनाता वहाँ पर है जहाँ पर वो नहीं है, हम यहाँ पर हैं तो घड़ा यहाँ बनाएंगे ना, सर्वव्यापक होगा तो बनाएगा कैसे वो, तो उसने उत्तर दिया माया से बनाया, तो बोले जैसे माया से बनाया वैसे माया से उसने प्रवेश किया। क्या है भगवान का वो वचन, मैं अपनी माया शक्ति को धारण करके संभवामी आत्मा माया, है ना, माया से। नीचे की लाइन वही कहता मायिकत्वम तयोस्तुल्यम, तो जैसे सृष्टि उसने माया से बनाई तो वैसे माया से उसने प्रवेश किया, ऐसे समझ लो आप। हाँ, सब उसका प्रवेश करना, विनाश, उत्पत्ति सब एक समान है, कैसे, माया से। और ना विश्वास हो तो फिर आप बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ लेना, बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है, वहाँ पर याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय को उपदेश दिया, समुत्थाय एष भूतेभ्य, एष भूतेभ्य समुत्थाय, ये जो भीतर से जीव है ये उठ खड़ा होता है, समुत्थाय वो देख लेता है कि शरीर से काम हमारा नहीं चल रहा है, तो ये पांच महाभूतों का जो शरीर है, इंद्रिय प्राण मन बुद्धि, इन सब से उठ करके और निकल के चल पड़ता है, जब निकल के चल पड़ता है तो शरीर नष्ट हो जाता है, तान ये अनुविनश्यति, तो शरीर यहीं पर जला दिया गया, वो चला गया तो शरीर यहीं पर जला दिया गया। विस्पष्टम इति मैत्रेयी, याज्ञवल्क ने इसको बहुत विस्तार से मैत्रेयी को उपदेश दिया है, अगर ये पढ़ना हो तो आपको कृपया बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ना पड़ेगा। हाँ, सीधा सा है, वो चला गया, दोनों बात बता दिया, उसने प्रवेश किया तो ये चैतन्य हो गया, जीवित हो गया, चलने फिरने लगा, हंसने खेलने लगा, जब वो चला गया तो ये शरीर नष्ट हो गया, यही तो ना, जो चला गया तो शरीर नष्ट हो गया, कितनी आसान सी बात, दोनों बात बता दिया, प्रवेश करने का भी और नष्ट, तो वो जो यहाँ पर आया इसी का नाम है जन, जब यहाँ से गया तो इसी का नाम हो गया मृत्यु, तो वो चला गया तो शरीर यहीं कहीं रह गया। बस इतना ध्यान रखना कि वो चिदाभास, वो जो जीव गया ना, तो वो नष्ट नहीं हुआ पूरी तरह से, अब ये मत कहना कि सब नष्ट हो गया, सब नहीं, वो जो कर्ता भोक्ता था, सुखी दुखी था, वो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए किसी अन्य लोक लोकांतर में जाता है। चलो आज यही रहने देते हैं। तो तीन चीजों को बिल्कुल स्पष्ट किया, शरीर बुद्धि और बुद्धि में आभासित चेतन जिसका नाम दिया चिदा, ठीक है ना, शरीर पांच महाभूतों का है, बुद्धि सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत है, अंतःकरण आदि, और उसमें जो भासित हो रहा है वो चिदाभास, ये अलग अलग हैं, इनको एक मत समझना, एक मत समझना, शरीर से बुद्धि पृथक और बुद्धि से वह चिदाभास पृथक, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है यहाँ पे,
वह जो चिदाभास है वो कूटस्थ का आभास है, लेकिन उसकी सत्ता है, उसकी सत्ता है। बस विशेषता ये है कि ये जो चिदाभास रूपी जीव है, इसके सुखी होने से, इसके दुखी होने से, इसके रागी होने से, द्वेषी होने से, उस कूटस्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो असंग ही है, अभिकारी ही है। ऐसे अपनी आत्मा को समझो, ऐसे अपने आत्मस्वरूप को जानो। ओम पूर्णमदः। क्योंकि वो जो ये शरीर को देखो, अभी क्या बताया था कि शरीर अलग, बुद्धि अलग, और बुद्धि में भासित चिदाभास अलग, ठीक है ना। तो जो जाता है वो कौन है, कौन जाता है, कहाँ जाता है, कैसे जाता है, अभी बहुत कुछ है। तो असली बस इतना है कि आपके दिल की पुकार भगवान सुनते हैं। भगवान कहते हैं आपकी वाणी को नहीं सुनता मैं। आप अपने मुंह से कितना स्तुति गाते हो, प्रभो आओ आओ, सुनता ही नहीं। तुम्हारे दिल से क्या निकलता है, क्यों? क्योंकि हमारे हृदय को तो कोई चुरा ले गया है। अहम भक्तो पराधीनः ही स्वतंत्र युधिज साधुभिर ग्रस्त हृदय। सुनने वाली जो मशीन है वो कहीं और, है ना। सुनते हैं, सुनते हैं।